खंडारी चौराहा स्थित एक्सिस इमेजिंग सेंटर पर आगरा की प्रथम 64 सिलाई सिटी स्कैन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक तकनीक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम की डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर रेडियोलॉजी विभाग, ने चिकित्सकों को सीटी स्कैन की नवीन उपयोगिता और नवीन जाँचों की जानकारी दी। यहाँ पर आज 64 स्लाइस सीटी स्कैनर का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है, जो कि आगरा में अपनी तरह की प्रथम मशीन है। और एक तो ये काफ़ी फास्ट स्कैनिंग है। फास्ट स्कैनिंग का हमेशा से फ़ायदा मिलता है नसों की बीमारी के जानने के बारे में। इस मशीन में रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, जिससे कि हम छोटी से छोटी बारीक से बारीक बीमारियों के बारे में भी पता कर सकते हैं। आज यहाँ पर 64 स्लाइस सीटी का इनॉग्रेट करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि मरीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और इस मरीज आप पूछो कुछ। एक्सिस इमेजिंग सेंटर पर आयोजित इस तकनीक सत्र में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल ख्याति प्राप्त न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरसी मिश्रा का सेंटर प्रबंध तंत्र ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर पर मरीजों को दी जा रही बेहतरीन रेडियोलॉजी सेवाओं के लिए डॉक्टर अजय बुलागन को शुभकामनाएं दी। आगरा के चिकित्सा क्षेत्र में एक्सिस डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा, जो कि डॉक्टर अजय बुलागन और उनकी टीम द्वारा काफ़ी लंबे समय से संचालित है, एक नया आयाम स्थापित किया गया। सिटी स्कैन की 64 प्लाई की जांच की नई टेक्निक की बहुत कीमती मशीन को यहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। इसकी जांच के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी इस स्तर पर, तो आगरे से अधिकांश पेशेंटों को विख्यात डॉक्टर दिल्ली भेजा करते थे, मेदांता, मैक्स, एम्स के अंदर। इसको मैं बड़ी मेहनत से अपने टीचर के थ्रू इन्फ्लुएंस दिला करके और कानपुर जाते हुए स्कैनर को आगरा में रुकवा दिया था और यहाँ लग गया था। आज की तारीख में हम जो है यहाँ खड़े हुए हैं कि आगरा में कम से कम 30 सीटी स्कैनर हैं, 8 एमआरआई हैं। और तो बुलागन साहब ने कमाल कर दिया, पहले 3 टेस्ला एमआरआई लगाया और अब 64 स्लाइस स्कैनर लगा दिया, सीटी स्कैनर। तो ये आगरा की दिनों दिन प्रगति है। मैं तो अपनी लहलाती खेती को देख रहा हूँ, जिसका मैंने एक पेड़ लगाया था और आज न्यूरोसाइंसेज में। नई सीटी स्कैन मशीन में नए सेफायर टेक्नोलॉजी और टिन फिल्टर से कम एक्सरे की डोज से अच्छी गुणवत्ता की इमेज प्राप्त की जा सकती है। सेंटर के निदेशक अजय बुलागन ने बताया कि सीटी स्कैन में 0.6 mm मोटाई की इमेज प्राप्त की जा सकती है, जिससे नाक, कान और फेफड़ों की सूक्ष्म बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।